आजादों का मेला आईना न का जो नक्शा सामने आ रहा है वो बड़ा अजीबो गरीब है ऐसे लग रहा है कि हम दोबारा से 1985 के गैर जमाती इंतबाब की सूरत हाल की तरफ रवा दवा है अब तक जो आजाद शुमार सामने आए हैं इनके मुताबिक उन्नीस सौ पचासी में कौमी असेंबली के इंतबात में एक हजार अट्ठासी आजाद उम्मीदवार थे जबकि दो हजार चौबीस के इंतबात में बत्तीस सौ अड़तालीस आजाद उम्मीदवार आमने सामने हैं लगता है की पार्टियाँ पीछे रह गई है और आजाद उम्मीदवारों का मेला लग रहा है भाजपा डॉक्टर में कहा जाता था कि उन्नीस से जो गैर जमाती गैर नजरियाती लोगों का कल्चर पैदा हुआ है इसे खत्म करना है 2024 के इंतबात से लग रहा है कि वही गैर जमाती और आज़ाद उम्मीदवारों का कल्चर बहाल हो जाएगा ये लोग ना जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होंगे ना ही इनके कोई नजरियात होंगे ये तरक्याती तो फंड के लिए हर सियासी और अखलाक असूल पामाल करने को तैयार होंगे जो पैदा होती नजर आ तो रही थी कि सारा पीछे इख्तियार रियासत की झोली में डाल देना है इस हद तक कहा गया सिंधे भी पीपल्स पार्टी को इक्तदार नहीं देना और बाकी सारे रियासती अंडे भी बाबूजी के टोकरे में डाल देने हैं कुछ हफ्तों बाद सोच में फिर तब्दीली आई

इसी दौरान जस्टिस अतर मिनला ने एक अहम साइफर मुकदमे में इमरान खान को बरी कर दिया साथ ही साथ पिशावर कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ दिया तो रियासत और अदलिया में मुकम्मल ठन गई ऐसी तजावीज तक सामने आने लगी कि जजों को फारिग कैसे किया जाए मगर फिर अदलिया और रियासत में दरमिया रास्ता निकाल लिया गया तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया तो फिर से एकमत अमली में तब्दीली नजर आना शुरू हो गई अब दोबारा से जहांगीर तरीन और अलीम खान की आई पी पी की अहमियत बढ़ गई है पहले सिर्फ नून और को सब कुछ देने की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि ताकत का आजाद उम्मीदवारों के हक में आ रहा है रियासत के एलकार खुश हैं कि अगर आजाद उम्मीदवार ज्यादा तादाद में जीतकर सामने आ गए तो इन्हें हैंडल करना आसान हो जाएगा ताजा तरीन तब्दीली जो हिमत अमली में आ रही है वो ये इलेक्शन के, के करीब सबको फ्री हैंड दिया जाए क्योंकि अब सोच ये है कि नून को भी इतना ताकतवर नहीं करना कि वो कल को रियासत के खिलाफ खड़ी हो सके दूसरी तरफ नूनली की अमली शुरू से ही ये थी कि इंतजामिया इनकी मर्जी की हो और वो वक्त आने पर इनकी मदद भी करे अभी तक नून को अपनी मर्जी की इंतजामिया का फायदा हो रहा है हालांकि रियासत की हिकमते अब नून की अंधाधुन हिमायत करती नजर नहीं आ रही अब अगर रियासत की बदलती हिकमते का नाकदाना जायजा लिया जाए तो साफ नजर आ रहा है कि सियासी अहदाफ में मुकम्मल कन्फ्यूजन है कभी कुछ अहदाफ मुकर किए जाते हैं और कभी कुछ जाहिर है कि इस तरह की बदलती हिकमत अमलियों में किसी भी वाजे प्लान पर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहता इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ये बात अलबत्ता तय है कि इलेक्शन जैसा भी हो बहरहाल तब्दीलियां जरूर लाता है फर्ज कर लें कि अगर वाकई आजादों का मेला लग गया और हम फिर से उन्नीस सौ पचासी के गैर जमाती इंतख्या वाली सूरत हाल में पहुंच गए तो हमने कई दहाइयों का जो सियासी सफर किया है क्या वो रायगा नहीं जाएगा ये दुरुस्त है कि हमारे सियासत में खामियां हैं किसी मुल्क के सियासतदानों में ये खामियां कम होती हैं किसी में ज्यादा लेकिन सियासत करना और मुल्क चलाना बहरहाल इन्हीं का मनसब है जिस तरह एक बेहतरीन इंजीनियर से किसी मरीज को ऑपरेशन करवाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता बल्कि इसके लिए बेहतरीन डॉक्टर भी दस्तियाब हो तो उसी से रुझू करना पड़ता है बिल्कुल उसी तरह सियासत के अलावा किसी और के हवाले नहीं की जा सकती सियासी जमातें बरसों बल्कि दहाइयों में बनती हैं इनमें आवाम की ख्वाहिशों की सरमाकारी होती है ये भी दूसरे मोहरम इदारों की तरह बड़ी मोहतरम होनी चाहिए आजाद उम्मीदवारों का मेला लगेगा तो ये सियासी और के लिए बुरा शगुन होगा जब तक सियासत और मजबूत नहीं होगी रियासत भी मजबूत नहीं होगी दूसरी तरह पहले सियासत को भी अपनी मामला के बारे में बढ़ाना होगी डॉक्टरों इंजीनियरों माहरी और दूसरे प्रोफेशनल्स को लाना होगा ताकि जब भी किसी जमात को इतदार में आने का मौका मिले वो इस काबिल तो हो कि मुल्क को मुखम और ऐसे तरीके से चला सके मेरा ख्याल है कि हम जिन बहरानों का शिकार हैं इसके बाद रियासत को सोचना चाहिए कि देर पाहल क्या है आजाद उम्मीदवारों की नए सिरे से असेंबली बनाकर क्या सियासत बेहतर हो जाएगी हर किस नहीं होगा क्या बस रियासत का कंट्रोल बढ़ जाएगा रियासत के पास पहले ही बहुत कुछ है इसे कंट्रोल कर ले तो काफी है सियासत को कंट्रोल करने का ख्याल ही सिरे से गलत गैर आईनी गैर जमुरी और सबसे बढ़कर रियासत के वजूद के लिए खतरनाक है काश बेहतर मुस्तबिल के लिए बेहतर अमली बनानी शुरू कर दी जाए